जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह का इंटरव्यू दिया है अफजल गुरु के फांसी पर, उस साक्षात्कार से पूरे देश में प्रक्षोभ है, आक्रोश है। किसी को भी रास नहीं आ रहा है कि जिसने लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पार्लियामेंट पर हमला किया उसको सजाए मौत होने के बाद 8 साल के बाद फांसी पर चढ़ाया, उससे देश भर में एक नेशनल सेंस ऑफ रिलीफ महसूस किया देश ने। ऐसे में कांग्रेस के यूपीए के एक साथी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह का भाषा का उपयोग हुआ है, एक तरह से सहानुभूति जताने की बात है और एक तरह से अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली बात उन्होंने की है, यह किसी को भी अच्छी नहीं लगी है, नागवार लगी है। और इसलिए उनके इस साक्षात्कार की और उनकी सोच की हम भर्त्सना करते हैं और कांग्रेस को पूछना चाहते हैं कि उनका अभिप्राय इस पर क्या है, क्योंकि वो उनके घटक दल है और इस तरह की भाषा अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री करे तो कश्मीर घाटी में ये उकसाने वाली बात होगी और इसलिए इसके हम भर्त्सना करते हैं और कांग्रेस से जवाब मांगते हैं।